Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर रेसिपी। आज आपको सिखाऊंगी कि आप घर पे कैसे बना सकते हैं चॉकलेट चिप्स। बहुत ही आसान है ये रेसिपी। यहाँ पे मैंने हाफ कप लिया है वाइट चॉकलेट, हाफ कप लिया है मैंने यहाँ पे डार्क चॉकलेट। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे दोनों चॉकलेट्स को मेल्ट कर लूँगी। आप चाहें इसको माइक्रोवेव कर लें या फिर डबल बॉयलर का यूज़ कर सकते हैं। डबल बॉयलर मीन आपने पॉट लेना है जिसमें पानी रखना है, उसके ऊपर एक पॉट रख लें, शीशे का रख लें या स्टील का रख लें, उसमें चॉकलेट डाल के इसको आपने मेल्ट करना है। यहाँ पे देखिए ये चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। अब इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और इसको पाइपिंग बैग में डाल लेंगे। यहाँ पे मैंने पाइपिंग बैग यूज़ किए हैं। यहाँ पे पाइपिंग बैग लेके मैं इसके अंदर इसको डाल दूँगी। पर आपने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है ताकि ये पाइपिंग बैग में डल सकें। इसी तरह मैं ये दूसरी चॉकलेट भी मेल्ट कर लूँगी। यहाँ पे ये ठंडी हो गई है, यहाँ पर मैंने गिलास लिया है। अब इसको मैं इसके अंदर डाल दूँगी। आपको बताऊंगी दो टाइप के टेम्परेचर होते हैं, एक बॉडी टेम्परेचर और एक रूम टेम्परेचर। ये जो वाइट चॉकलेट है ये मैंने रूम टेम्परेचर पे की है, ठंडी हो गई है ये रूम टेम्परेचर पे। इसको पाइप कर लेंगे। ये जैसे बाजार वाली बनती है वैसी ही बनती है, थोड़ी सी हार्ड सी होती है और फ़ौरन से जम जाती है। और इसके ऊपर ऐसे नोक सी भी बनती है जैसे बाज़ार से हम बाय करते हैं वैसी। इसी तरह से मैं बाकी की भी पाइप करूँगी, आप देखते जाइएगा। ये देखिए ये रूम टेम्परेचर है। आपको मैं दूसरा भी बताऊंगी बॉडी टेम्परेचर वाला। मैंने डार्क चॉकलेट को भी मेल्ट करके पाइपिंग बैग में डाल लिया है, वो कट करके यहाँ पे मैं इसके चॉकलेट चिप्स बना रही हूँ। ये बॉडी टेम्परेचर पे है, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है इतना ही गर्म है ये चॉकलेट। और इसके ये रनिंग कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। मैंने आपको दोनों टेम्परेचर बता दिए हैं, आपने अगर जैसी आपने बनानी है आप बना सकते हैं। दोनों टाइप ही बहुत ही अच्छी हैं। इसी तरह से ये इजीली रिमूव भी हो जाती हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए डिफरेंस। यहाँ पे जो मैंने रूम टेम्परेचर पे चॉकलेट को ठंडा करके बनाई है इसकी नोक सी बनती है, और जो दूसरी है वो प्लेन है बिल्कुल लाइट सी। ये देखिए दोनों ही आप घर पर बना सकते हैं आसानी से, बहुत ही ईजी है। अब मैं इनको जो है बाउल में निकाल लूँगा। हैं यहाँ पे दोनों डार्क एंड वाइट चॉकलेट चिप्स, बहुत ही आसानी से घर पे बन जाती हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। आप इसको चॉकलेट चिप्स में, केक में, बेकिंग की किसी भी चीज़ में अगर आपको मेल्ट करनी हो ये तो आप इसको मेल्ट भी कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं हर चीज़ में। ये देखिए आप इसको बना के स्टोर भी कर सकते हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं। मैंने इसको भी फ्रिज में नहीं रखा है। ये देखिए आप इसको बना के फ्रिज में रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।